मेरा नाम डॉक्टर अंजुम है, मैं BUMS मैनेट किया है और बहुत सी जगह पर मैंने प्रैक्टिस की है। उद्घाटन के लिए रईस शेख सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे औरतें होती हैं जो पूरे 9 महीने में अपना इलाज बराबर तरीके से नहीं कर पाती है, तो हम उसके लिए भी यहाँ पर वक्त ब वक्त कैंप का अरेंजमेंट करेंगे। उनके पास पैसा नहीं, उन्हें हालात से मजबूर होकर इलाज नहीं कर पाते, तो हम इंशाल्लाह उनका भी इलाज करने की कोशिश करेंगे। क्लिनिक की तो बहुत ओपनिंग होती है, लेकिन ये क्लिनिक बहुत खास है। अलग पहलू ज़िंदगी का है कि एक बाप कैसे अपनी बच्ची को पढ़ाता है, मेहनत करता है और डॉक्टर बनाता है। सब्जी बेचकर बच्ची को पढ़ाया और बच्ची बनी BUMS डॉक्टर। विशेष तौर पर तस्वीर भिवंडी के अंसार नगर जी बेकरी शांति नगर रोड की है, जहाँ आपको बता दें कि आज एक क्लिनिक का उद्घाटन था। इस उद्घाटन समारोह में भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख मौजूद थे, जहां तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रईस शेख के हाथों से इस क्लिनिक का उद्घाटन रिबिन काट कर किया गया। इस बीच आपको बता दें कि डॉक्टर अंजुम शेख जो कि BUMS डॉक्टर हैं, इनके क्लिनिक का उद्घाटन था। इनके पिता महबूब शेख और बड़े पिता गफ्फार शेख भी वहाँ पर दिखाई दिए। बात की जाए तो अंजुम शेख की वहां पर फूलों की गुलदस्ता देखकर सभी आए हुए मानवों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। और खासकर आपको बता दें कि अंजुम शेख के पिता महबूब शेख के इस कार्य की प्रशंसा की गई। मेरी जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि महबूब शेख सब्जी मंडी में सब्जी बेचा करते थे और अपनी बच्ची की शिक्षा को लेकर उनकी कड़ी मेहनत कर अंजुम शेख को आज इस मुकाम पर पहुँचाया कि आज आप तस्वीर में देख सकते हैं कि BUMS और CGO के डॉक्टर के रूप में उन्हें आज सभी लोग देख रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अंजुम शेख के वहां पर पति एजाज शेख भी मौजूद थे। मोहम्मदिया मस्जिद के इमाम साहब मौलाना सलमान जहरी जो कि दुआ मांगकर इस क्लिनिक का उद्घाटन किए। विधायक रईस शेख ने रिबिन काटा। वहां पर तस्वीर में देख सकते हैं कि समाज सेवक वकील शेख, अंसार शेख, अहमद शेख, जुबैर शेख, आफाक उस्मानी, लड्डन बाबा नैयर आजमी उर्फ लड्डू और स्थानीय समाज सेवक सिकंदर अंसारी भी दिखाई दिए। सब के हाथों से यहाँ पर उद्घाटन किया गया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मरीज को सुधारा गया? देखिए क्लिनिक की तो बहुत ओपनिंग होती है, लेकिन ये क्लिनिक बहुत खास है। हमारे महमूद भाई यहाँ पे हैं, उनकी बेटी अंजुम है और डॉक्टर अंजुम का क्लिनिक इसलिए खास है कि ये एक बाप की मेहनत उसे बना हुआ है। इन्होंने बड़ी तकलीफ़ से अपनी बच्ची को पढ़ाया है, डॉक्टर बनाया है और ये एक गायनेक क्लिनिक है और मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा शिफा खाना बनेगा यहाँ पर। अंजुम के हाथ में अल्लाह शिफा देगा, हमारे साथ भी जुड़ के काम करेंगी अंजुम। पर ये एक अलग पहलू ज़िंदगी का है कि एक बाप कैसे अपनी बच्ची को पढ़ाता है, मेहनत करता है और डॉक्टर बनाता है। जैसे हमारे माँ बाप हमारे लिए सोचते थे वैसे ही सोच के उसके लिए मेहनत करना। मैं डॉक्टर अंजुम महमूद भाई और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्लिनिक का उद्घाटन हुआ, बड़े ही धूमधाम से हुआ, बताएंगे इधर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने वालिदैन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस मेरा नाम डॉक्टर अंजुम है, मैं BUMS मैनेट किया है और बहुत सी जगह पर मैंने प्रैक्टिस की है। उसके बाद आज मैं अपने इस क्लिनिक का उद्घाटन कर रही हूँ और इस उद्घाटन के लिए रईस शेख सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इस क्लिनिक के माध्यम से मैं बहुत से जो पेशेंट हैं, ख़ास तौर पे वो औरतें जो डिलीवरी में बहुत दिक्कत का सामना करती हैं, तो उनका इलाज करने के लिए और इसके अलावा मल्टीपर्पज़ जो भी हमारे हजरात हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनके जो भी प्रॉब्लम होगी उसका यूनानी और आयुर्वेदिक जो भी हमने प्रैक्टिस किया है, हमको जो भी नॉलेज है, इंशाल्लाह वो इसके ज़रिए हम हल करेंगे। और जो भी हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं तो मैं उनका साथ भी चाहूँगी। और इसके अलावा जिसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है जिस भी तरह की,
तो उसको हल करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। देखा जाए क्लिनिक तो बहुत है यहाँ पर, किस तरह की मरीजों की सुविधा है, जैसे कि देखा जाए तो बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इसको लेकर, उसको क्या कहना चाहिए? हाँ, ये एक डेटा बेस रहेगा इंशाल्लाह कि जिन ऐसे औरतें होती हैं जो पूरे 9 महीने में अपना इलाज बराबर तरीके से नहीं कर पाती है, तो हम उसके लिए भी यहाँ पर वक्त ब वक्त कैंप का अरेंजमेंट करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से जैसे होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता या फिर वो अपने हालात से मजबूर होकर इलाज नहीं कर पाते, तो हम इंशाल्लाह उनका भी इलाज करने की कोशिश करेंगे।